प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान समूचे विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक किया और यह अटैक ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी नजर आपकी संपत्ति पर है, अगर कांग्रेस आई तो वो महिलाओं से उनके मंगलसूत्र तक छीन लेगी। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है, उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेके कैसे जब्त कर सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने 24 के चुनावी रण में नई गर्मी ला दी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ पहुंची है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस पर तरकश से ऐसे तीर छोड़े हैं जिससे अब कांग्रेस न निगल पा रही है न उगल पा रही है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है कितना ही कम क्यों ना हो वो स्त्री धन होता है, ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र उस पर उन लोगों की नजर है। मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लेकर पीएम जब राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर हमलावर थे तब तक कांग्रेस को भी नहीं पता होगा कि आर्थिक सर्वे कराने वाले वादे का दांव इतना उल्टा भी पड़ सकता है। अब आधी आबादी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। देखिए, ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी ये कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? कमा के दिए राहुल गांधी ने संपत्ति, जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे ये कैसे संभव है? देखिए, उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगलसूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर ही पीएम ने दो बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर जनता को सतर्क किया। पीएम के दोनों बयानों में अगर कुछ फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहला बयान रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो महिलाएं कह रही हैं कि कांग्रेस को आखिर ला कौन रहा है? कांग्रेस ने पहले भी देश को लूटा है और अभी भी लूटने की बात कह रही है। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है, इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं, कांग्रेस का तो सूबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये चीज तो बिल्कुल गलत है ना, किसी की प्रॉपर्टी को आप पैसे कैसे किसी और को दे सकते है ना, किसी का पर्सनल है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत से बनाई हुई चीजों को अगर ऐसे जब्त किया जाएगा तो ये तो सरासर गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का भी प्रॉपर्टी या कुछ भी लेकर आप किसी को देते हैं तो ये गलत बात है। देखिए, कांग्रेस का तो हरदम का यही रहा है, चाहे लड़कियों को लेकर हो, चाहे सोने चांदी को लेकर, हर चीज़ों में लोगों का हरदम इन लोगों की गलत ही राय रही है, चाहे आप जिससे भी ले लो। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सबके समान अधिकार हैं, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। किसी दूसरे को लेकर के गलत होता है सब चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, जो दावा किया, उसे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में अपने अंदाज में दोहराया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। पहले चरण के मतदान के बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तीखे बयान और आरोपों की बौछार होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस एक बार फिर से चारों खाने चित नजर आ रही है, क्योंकि मोदी ने आरोपों का पन्ना कांग्रेस की किताब से ही निकाल कर उस पर अटैक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब नजर डालते हैं दो मिनट में दुनिया सुपर फास्ट पर। रूस और कजाकिस्तान में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर, अभी भी कई बड़े शहर पानी में डूबे, प्रभावित हिस्सों में रेस्क्यू का काम लगातार जारी। कॉलेज परिसर में होने वाले यहूदी विरोध प्रदर्शन को लेकर अमेरिका में छिड़ा सियासी घमासान, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शन की निंदा की, कहा उन लोगों की भी निंदा करते हैं जो फिलिस्तीनी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। न्यूयॉर्क में बीते सोमवार को फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के दौरान युद्ध में तनाव कम करने की मांग को रखा गया। सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड में बेघरों के समर्थन में किया गया प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग। बोलिविया में शिक्षक अनिवार्य सेवानिवृत्ति और बेहतर पेंशन को लेकर किया गया प्रदर्शन, प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से भी हुई झड़प, प्रदर्शन के दौरान वेतन में वृद्धि की मांग की गई। इसराइल से युद्ध के तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। रईसी अपने परिवार और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। यूएसके टेनेसी में गोलीबारी में मचा हड़कंप, फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत, जबकि घटना में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। न्यूयॉर्क में नाव पर पार्टी के दौरान चाकू से किया गया हमला, हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।